बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुलशियां स्कूल्स ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम। माय सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड आर टुडेज टॉपिक इज द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान, कायद का तसव्वुर और पाकिस्तान। बिफोर वी स्टार्ट आवर रीडिंग वी विल डिस्कस डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ पैराग्राफ नंबर 1 विद देयर सिनोनिम्स। फर्स्ट वर्ड इज इमरजेंस, अपीयरेंस, कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, किसी चीज का वजूद में आना, जाहिर होना, अंडरटेक, किसी काम का करना, टेक ऑन, स्टार्ट, कंट्री वाइड, पूरे मुल्क का, ऑल ओवर द कंट्री, नेशन वाइड, एम एट, इस मकसद के साथ, विद द पर्पज ऑफ, स्पिरिट, पैशन, करेज और इमोशन, जज्बा, ओवरवेल्म्ड, किसी के बात के देरे असर आना, सब्ड्यूड, ओवरकम, इनॉर्मिटी, शिद्दत या ज्यादती, मैसिवनेस और साइज, इमेंसिटी, शेयर, महज या सिर्फ, ओनली, स्टर्लिंग, प्योर, खालिस, सेकंड टू नन, किसी से कम नहीं है, मैचलेस एंड इक्वल। स्टार्ट आवर रीडिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 1। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, पाकिस्तान के जहूर के इब्तदाई और मुश्किल वक्त में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा किया। पाकिस्तान के जहूर के इब्तदाई और मुश्किल अवकात में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा किया। ही एम्ड एट, इनका मकसद था एट रेजिंग पीपल स्पिरिट, लोगों का जज्बा उबारना, इनका मकसद लोगों का जज्बा उबारना था। Do not be overwhelmed with the enormity of the task, काम की शिद्दत से मगलूब ना हो जाएं। He said, इन्होंने कहा, in a speech, एक तकरीर में, at Lahore, लाहौर में, इन्होंने लाहौर में एक तकरीर में कहा, काम की शिद्दत से मगलूब ना हो जाएं। There are many examples in the history of young nations, तारीख में नई कौमों की बहुत सी मिसालें हैं, बिल्डिंग themselves up by sheer determination and force of character, जिन्होंने खुद को सिर्फ पुख्ता अज़म और कुव्वते किरदार से तमीर किया। You are made of sterling material, आप खालिस मुआद से बने हैं, and second to none, और किसी से कम नहीं हैं। Keep up your morale, अपना हौसला बुलंद रखें। Do not be afraid of death, मौत से खौफजदा ना हो। We should face it bravely, हमें इसका मुकाबला बहादुरी से करना है। To save the honor of Pakistan and Islam, पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत बचाने की खातिर, पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत बचाने की खातिर हमें इसका मुकाबला बहादुरी से करना है। Do your duty, अपना फ़र्ज अदा करें। And have faith in Pakistan, और पाकिस्तान पर यकीन रखें। It has come to stay, ये कायम रहने के लिए बना है। Now we will discuss difficult words of paragraph number 2 with the synonyms. First word is journey, सफ़र, travel or voyage. Separate, अलग या आज़ाद, free, independent. Homeland, मुलक. Country, state. Based on, मुश्तमिल होना. Build, established. Pivot, महवर. सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस, अफाम, किसी चीज़ का ऐलान करना. डिक्लेयर, प्रोक्लेम, वननेस, इत्तेहाद, सिंगलनेस, यूनिटी. डिस्टिंक्टिव, यूनिक, डिस्टिंग्विश्ड, मुख्तलिफ होना, मुनफरिद होना. लिटरेचर, रिटन वर्क्स, अदब. कल्चर, सकाफत, सिविलाइजेशन, तहजीब. सिविलाइजेशन, वेज ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने के तरीके. आर्किटेक्चर, फन तमीर, कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन. नॉमिनक्लेचर, नाम रखने का सिस्टम. निज़ाम, इस्तलाहात, सिस्टम ऑफ नेम्स और टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, वोकेबुलरी. वैल्यूज, इकदार, मॉरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल, लीगल, कानूनी. वैलिड, जायज, कोर्ट्स, रूल्स, पॉलिसीज और रेगुलेशंस. एप्टीट्यूड, रुझान, इंक्लिनेशन, प्रोपेंसिटी. एम्बिशंस, डिजायर्स और एस्पायरेशंस, मकासिद. इन शॉर्ट, मुख्तसरन, ब्रीफली. नाउ स्टार्ट आवर रीडिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 2।
The entire journey of the great leader's struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क के लिए अजीम कायद की जद्दोजहद का सारा सफ़र वास बेस्ड ऑन मुबनी था ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड एंड द वननेस एज अ नेशन. मुसलमानों के एक कौम के इतिहाद और एक होने के महवर पर मुबनी था. बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क के लिए अजीम कायद की जदोजहद का सारा सफ़र मुसलमानों के एक कौम के तौर पर इतिहाद और एक होने के महवर पर मुबनी था. ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की इन सच अ क्लियर टर्म्स, ऐसे वाज़ेह अल्फाज में दैट इवन अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट, के एक आम आदमी भी इसे आसानी से समझ सकता था. इन्होंने पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़ेह अल्फाज में बात की कि एक आम आदमी भी इसे आसानी समझ सकता था. वी आर नेशन, हम एक कौम हैं, ही अफर्म, इन्होंने जोर देकर कहा, 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले जोर देकर कहा. हम एक कौम है, इन्होंने पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले जोर देकर कहा. विद आर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, अपनी वाज़ेह सकाफत और तहजीब के साथ, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़ुबान और अदब, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फ़न और फन तमीर, नेम्स एंड नॉमनक्लेचर, नाम और इस्तलाहात, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन, इकदार का एहसास और तनासुब, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, कवानीन और इखलाकी ज़वाबित, कस्टम एंड कैलेंडर, रिवाज और कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, तारीख और रवायात, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, रुझानात और मकासद. हम एक कौम है, हमारा अपना वाज़ेह तहजीब और सकाफत, ज़ुबान और अदब, फ़न और फन तमीर, नाम और इस्तलाहात, इकदार का एहसास और तनासुब, कवानीन और इखलाकी ज़वाबित, रसूमात और कैलेंडर, तारीख और रसूमात, रुझानात और मकासद हैं. इन शॉर्ट, वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ, मुख्तसरन हमारा ज़िंदगी के मुतालिक अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र है. डेट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम. अल्लाह हाफिज़.